तुम हमसे पूछो ना, अरे सवाल हम तुमको बता देंगे। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट पता है किस चीज पे है, आप जो है ना डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, तो आप डिपेंड करते हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर। आपको लगता है छंद वन लाइनर याद करने से हमारी जीके हो गई कंप्लीट, कुछ फैक्ट्स जान लिए तो हमारी जीके कंप्लीट हो गई, महामूर्ख इंसान हो फिर। ठीक है, ऐसी गलती मत करो कि हम जो है पूरा का पूरा थोड़ी बहुत बातों को ध्यान रख लेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान रख लेंगे, हमारा जीके कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़िए। आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे आपके साथ यही परेशानी होगी। हो सकता है कोई ऐसा शिफ्ट आ जाए जिसके सारे सवाल आपको आते हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा शिफ्ट लग गया आर्टिकल 52 पढ़ के गए हो, आर्टिकल 51 आ जाए तो उत्तर नहीं दे पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, एक पर्वत का नाम याद है आपको, एक पठार का नाम याद है और दूसरे का है ही नहीं, तो आपका पेपर खराब जाएगा। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि नहीं कम से कम हमारा 35 प्लस एक डिसेंट स्कोर होता है जो जीके में कहा जाता है 50 नंबर में, वो तभी आएगा जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस पूरा हो। अब सिलेबस पूरा होने करने के लिए कहां से करना पड़ेगा? सेम तरीके से हमने कहा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकआउट करो कि पहले मुझे पॉलिटी करना है, फिर ज्योग्राफी करना है, फिर हिस्ट्री करना है, और इन ब्रेकआउट्स पे ध्यान देना है। अब ये ब्रेकआउट्स कहां से होंगे? आप किसी बुक से कवर अप कर सकते हैं, किसी चैनल से कवर अप कर सकते हैं, कहीं भी तरीके से। अब जब ये ब्रेकआउट आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है रिवीजन। सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। रिवीजन आप कोई भी ऑब्जेक्टिव की किताब खरीदिएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो घटना चक्र या स्पीडी खरीदते हैं, तो घटना चक्र और स्पीडी आप खरीदो और उसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, रेलवे के सेट्स बने होते हैं, उन सेट्स को पर्टिकुलर तरीके से लगाते रहो, आपकी जीएस तगड़ी होती चलेगी। से बहुत ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा है जिनका -2 से 45-45 नंबर आते हमने जीके में देखा है, और करंट अफेयर, हाँ बिल्कुल, तो तब देखा है कब, जब उन्होंने इस तरीके से काम किया। और करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना होता है जब आपके पेपर